कि वेंटिलेटर इस वक्त जितने अस्पतालों में होने चाहिए उतने काफ़ी हैं और पूरे हैं। मजीद की अल्लाह ना करे कोई ज़रूरत ना पड़े तो उस पर हिकमत अमले बनाई जा सकती है, लेकिन जितने मुयस्सर होने चाहिए उतने पूरे हैं। और आज मजीद भी इसमें क्लैरिटी आ जाएगी जब NDMA और हमारा पूरा वसाइल पर एक डायलॉग है, मीटिंग है, तो वो वसाइल के हवाले से ही है, तो वो इंशाल्लाह आज रात तक बिल्कुल मिच्योर हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। कराची में प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है क्लोज बड़ा एक गैदरिंग का समय होता है, बड़ा कंजेस्टेड सिटी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आप टारगेटिक टेस्टिंग करेंगे तो, लेकिन कराची वैसे पहले जो बहुत ज़्यादा रेस कर गया था अब अंडर 10 है, वो पहले 10 से ऊपर चला गया था, 12-13 को टच कर रहा था। तो गुज़िश्ता 3 दिनों से कराची अंडर 10 आ रहा है, उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी टेस्टिंग में इजाफा किया है और रिपोर्टिंग को बेहतर बना रहे हैं। अभी मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से आने से पहले अभी भी बात हुई है, वो अभी भी मीटिंग एक कर रहे हैं जिसमें वो टेस्टिंग बढ़ाने और रिपोर्टिंग के मैार को मौसर करने पर तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के लिए अभी मैं समझता हूँ, और अल्लाह ना करे वक्त आए, ये वक्त मौजू नहीं है।